अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफ़िर। और नाज़रीन, हमने अपने व्यूवर्स के लिए एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम मुख्तलिफ ज़रई आलात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ माहिरीन भी होंगे और उनसे हम जानेंगे कि कौन से आलात जो है वो किस किस्म के ज़रई काम के लिए मुनासिब हैं और इनकी कैपेसिटी क्या है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन खालिद साहब और इनसे हम जानेंगे कि जो ट्रैक्टर्स के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, और हमारे पस मंज़र में आपको एक ट्रैक्टर का मॉडल भी नज़र आ रहा होगा, इस हवाले से इनसे जानेंगे कि इसकी खसूसियात क्या है और ये किस किस्म के काम के लिए और कितनी कैपेसिटी के काम के लिए मौजू हैं और काश्तकारों को इसका इंतखाब क्यों करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है। हसन खालिद साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप हमें कौन से ट्रैक्टर का तारुफ करवा रहे हैं कि इसमें क्या खसूसियात हैं और ये काश्तकारों के लिए कैसे मौजू हैं? आज हम जो शुरू कर रहे हैं हमारा न्यू हॉलैंड अलगाज़ी ट्रैक्टर्स का एक जो बेस मॉडल है 480 जी, और उसमें हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड एडिशन आता है जिसको पावर स्टेयरिंग बाय पावर प्लस कहा जाता है। तो हम उससे शुरू करते हैं जी। पहले जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बेस वेरिएंट है ये 55 हॉर्स पावर 55 हॉर्स पावर के अंदर आता है, जो कि अलगाज़ी की लाइन के अंदर सबसे जो मिनिमम पावर ट्रैक्टर है वो है। काश्तकार हैं जो वाबस्ता हैं इस कारोबार से या इस ज़िम्मेदारी से, उनके लिए 480 फीएट कोई मोहताज नहीं है किसी भी तारुफ का। हमारा जो ये 480 पावर प्लस मॉडल है इसके अंदर कंपनी ने कुछ खसूसियात जो हैं वो शामिल किए हैं जो कि हमारे काश्तकार भाइयों के लिए काफ़ी मुफीद हैं, जो पहले वाले मॉडल हमारे नहीं थे। अगर हम उसमें से शुरू करें तो सबसे पहले मैं भाई को कहूँगा कि जो 480 सादा आता है उसके अंदर हमारे पास पावर स्टेयरिंग नहीं है, तो वही प्रेशर हाइड्रोलिक स्टेयरिंग चल रहा होता है, जबकि इस पावर प्लस के अंदर कंपनी ने पावर स्टेयरिंग भी शामिल कर दी है ताकि जो काश्तकार भाई ट्रैक्टर चला रहा है उसको चलाने में आसानी हो जाए। इसके अलावा अगर हम आएंगे इसके टायर के ऊपर, इसको जो पिछला हिस्सा कहा जाता है, इसके अंदर जो 480 सादे में और इसमें फ़र्क है वो टायरों का भी है कि उसके अंदर टायर आते हैं 12 नंबर ग्रेड के, इसमें आते हैं टायर 14 नंबर के। दैट उसका मतलब है कि टायर इसके उन्होंने बड़े कर दिए हैं जिसकी वजह से ट्रैक्टर की दौड़ बेहतर हो गई है। अगर मैं थोड़ा सा आपको और लेके आऊं कि खाली टायर बड़े नहीं किए, टायर के साथ साथ इन्होंने जो इसका कड़ा पिनियन या जिसको आप पिछले हिस्से का एक वो सपोर्ट करते हैं वो भी इन्होंने पुराने ट्रैक्टर की बनस्बत जो पुराने मॉडल की बनस्बत इसको बड़ा करके 1447 का इसको वो लगा दिए, जो कि इसके टायर और इसके दौड़ के हिसाब से बहुत बेहतर है। इसके अलावा बाकी तो जो खसूसियात हैं उस तरह ही हैं जो हमारे मद्दे मुकाबले, अगर उससे हम कंपेयर करें या उससे हम इसका आपस में इसको देखें तो जो डीज़ल की खर्चा है जो कि ज़िम्मेदार की एक बहुत बड़ी लागत आजकल हो गई है, डीज़ल बहुत महंगा हो गया है, तो ये हमारे मद्दे मुकाबले के अगर आप देखें तो उसमें तकरीबन 18 से 20% का डीज़ल खर्चा इसका कम है। और ये फीएट ट्रैक्टर तो वैसे ही बड़ा मशहूर है कि ये ठंडा ट्रैक्टर है और ये काम का बादशाह है कि जितना मर्ज़ी आप इस पर लोड डालें इसकी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रैक्टर गर्म नहीं होता। ट्रैक्टर गर्म नहीं होगा आपका जो है उसमें मसले मसाइल कम आएंगे, आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो कम आएगा, उस वजह से भी ओवरऑल जो है ज़िम्मेदार को इस खर्चे में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बाकी अब हम 2023 में आ गए हैं, मैं सबको नया साल मुबारकबाद देना चाहूँगा और अलगाज़ी ट्रैक्टर्स ने भी 2023 मॉडल के हवाले से जो अपना इन्होंने स्टिकर चेंज किया है या उन्होंने एक मॉडल तफरु की है, तो ये 2023 मॉडल का आपका स्टिकर है। और साथ आप देख सकते हैं अलगाज़ी को पाकिस्तान में काश्तकारों की खिदमत करते हुए तकरीबन 40 साल अब हो मुकम्मल हो चुके हैं, तो उस हवाले से 40 साल सेलिब्रेशन का भी एक हमारा ये एक मॉडल है। बाकी तो चीज़ें इसमें तकरीबन वही हैं जो 480 में है, लेकिन जो फ़र्क मैंने आपको पहले बताए हैं कि दौड़ वगैरह के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, अगर हम इस पर बैठ के देखें तो जिस तरह मैं आपको पावर स्टेयरिंग का बता रहा था तो उसमें यह है कि जैसा कटाइयों वगैरह के ऊपर जब आप ज़मीन तैयार कर रहे होते हैं तो कटाइयों पे मोड़ना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो हार्ड स्टेयरिंग है, वो प्रॉपर मुड़ नहीं सकता, आपके वो खेले वगैरह ख़राब होते हैं, तो उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि आराम से जिस तरह गाड़ी का एक मुलायम स्टेयरिंग होता है उस तरह जहाँ आप चाहें इसको वहाँ से आप मोड़ सकते हैं और अपना काम आप बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से निकाल सकते हैं।
इसके अलावा बाकी जो काश्तकार, जिस तरह मैंने पहले कहा जो पहले से वाबस्ता हैं, उनको फीएट ट्रैक्टर की कोई जो चलने की खसूसियात हैं उसका वो पहले ही बड़े अच्छी तरह उसका तारफ उनसे हुआ हुआ है। तो इस मॉडल के बारे में मेरी तरफ से इतना ही। जी नाज़रीन, हसन खालिद साहब ने अलगाज़ी का 480 हॉलैंड पावर प्लस ट्रैक्टर है, इसका एक जो है तकाबली जायज़ा भी बताया और इसमें जो नई खसूसियात हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू की। तो आइंदा प्रोग्राम में हम एक नए ट्रैक्टर के मॉडल के साथ जो है उसकी खसूसियात को एक ही आगाही के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।